शनिवार को सुबह हुई दिल्ली में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। बारिश से जहां एक तरफ स्कूल के बच्चों को स्कूल से वंचित होना पड़ा तो वहीं दूसरी तरफ नौकरी करने वालों को भी अच्छी खासी मशक्कत का सामना करना पड़ा। सुबह नौकरी जाने वाले लोगों को बारिश में भीगना पड़ा, साथ ही साथ जगह जगह जल भराव से भी उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वह अपनी ड्यूटी पर भी समय पर नहीं पहुँच पाए। इन तस्वीरों को देख कर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि शनिवार की सुबह की बारिश ने किस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं। दिल्ली की रोड नदियों में तब्दील हो चुकी हैं, वहीं गलियों में भी जल भराव के कारण लोगों के घरों में पानी भर गया। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि दिल्ली के पोर्च इलाके में भजनपुरा व यमुना विहार सहित दिल्ली के तमाम जगह इसी तरह का नजारा देखने को मिला। वहीं थाना भजनपुरा में भी पानी घुसने से वहां की हालत खराब हो गई। बरसात के कारण ज्यादा जल भराव होने से जाम की विकट समस्या पैदा रही। यहाँ पे बीती 36 में पानी भरा हुआ है, गंदे नाले का पानी आ रहा है, आने वाले बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है, पढ़ते नहीं छोड़ते, आगे नहीं पाने आते। और यहाँ एक मैं जॉब करता हूँ, यहाँ पे बहुत दिक्कत हुई मेरे पाने में, कोई दिक्कत आई है वहाँ से। अभी ऑटो के पलटने से बच गए, गाड़ी वाले तो कितने गिर गए, मोटरसाइकिल वाले दिक्कत आई है। अभी मैं तैर के आया हूँ, पैदल में आया, सिर्फ बदनपुर से आने आने में भीग गए। दूसरा जगह है दूसरी, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, आने जाने वालों की इतनी दिक्कत हो रही है, सब पानी डूब गया है, मोटरसाइकिल वाले पानी में गोले मार रहे हैं और सब सेंटर के अंदर घुस रहा है पानी। बिहार की बस सर्विस लाइन है और यहाँ बारिश का बुरा हाल है कि सारे खराब हो गई, जो कोचिंग सेंटर है हमारे बच्चे हैं स्कूल आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। जल भराव से दिल्ली की सड़कें गलियों में तो जल भराव हुआ ही, इस जल भराव से थाने भी अछूते नहीं रहे। ये नज़ारा उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा थाने का है। मिट्टी के कट्टे सुरक्षा पिकेट बनाने में काम आते हैं, आज वे सारे पानी रोकने के काम आए। प्रिंस के साथ दिनेश सोलंकी, तेज निगाहें दिल्ली। न्याय की राहें तो देखते रहिए तेज।